हेलो, वेलकम टू माय फूड ब्लॉग। तो आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ ना, ये तो आप सभी को आता होगा, लेकिन इस मेथड को फॉलो करने से इसका कलर, इसका टेक्सचर और इसका स्वाद बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट पे मिलने वाली सब्जी जैसा आपको लगेगा। और चटपटी तो ये इतनी होती है ना कि जो भी खाएगा ना चटकारे लगा लगा के खाएगा। पर मैंने इसमें बहुत ही कम तेल और कम मसालों का यूज़ किया है, क्योंकि फैमिली को हेल्दी भी तो रखना है, लेकिन इसका टेक्सचर बहुत ही लाजवाब आएगा और आप अपने आप को ना इसे खाने से रोक भी नहीं पाओगे। तो चलिए अब हम वही सिंपल ट्रेडिशनल तरीका यूज करते हैं, बैगन को इस तरीके से चीरा लगाने वाला। ऐसे चीरा लगा के मैंने ना 3-4 इसमें कट लगा दिए हैं, और इसमें मैं वीडियो में इतने अच्छे से दिखाई नहीं हूँ, बट इसमें ना कोई भी कीड़े वगैरह नहीं निकले थे, मैंने अच्छे से चेक कर लिया था। आप भी जब बैगन को इस तरीके से कट करें ना, तो आप अच्छे से चेक कर लें कीड़े वगैरह तो नहीं है, क्योंकि जनरली जो है बैगन में कीड़े रहते। तो बस वही सिंपल सा ट्रेडिशनल तरीका यूज किया है और इसमें लहसुन वगैरह डाल दिया है। बस मेरे हस्बैंड को भी ना बैगन बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उन्हें बैगन की कुछ अलग अलग रेसिपी को मैंने सही तरीके से उन्हें बनाकर खिलाया ना, तो उन्हें बैगन बहुत पसंद आया था और बिना कोई नाटक किए खा लेते। और उनमें से एक रेसिपी ये भी है जिसे वो बहुत ही चाव से खाते और पसंद करते। अगर आपके भी घर में कोई बैगन हेटर है ना, अगर बैगन खाना पसंद नहीं करते कोई, तो आपने इस मेथड से ज़रूर उसे एक बार बना के खिलाए, बहुत पसंद करेंगे। मैं तो ना हमेशा ईजी रेसिपीज़ को ढूंढती रहती हूँ जिसमें ज़्यादा तामझाम ना हो और बहुत ही जल्दी बन जाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो उनमें से ये एक है। बैगन को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाथों में तेल लिया है और अच्छे से सब तरफ से मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टमाटर भी लिया था, टमाटर को भी छोटा छोटा मैंने चीरा लगाया है, क्योंकि उसे भी हमें रोस्ट करना है। अब रोस्ट करने के लिए जो है यहाँ पर मैंने एक जाली जो है यहाँ पर इजीली अवेलेबल होती है किसी भी शॉप में, इसे मैंने ले लिया और इसमें रख दिया है। यहाँ पर बैगन रखा है, टमाटर को भी मैं रोस्ट कर लूँगी, और यहाँ पर ना 2 छोटी छोटी सी मैंने ग्रीन चिली ली है, उसे भी मैं रोस्ट कर लूँगी। अगर आपके पास समय की कमी है, आपको समय बचाना है ना, क्योंकि वैसे भी हम हाउस वाइफ के पास ना बहुत कम समय रहता है, लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना बहुत काम रहता है, तो आपके पास अगर समय की कमी हो ना, तो आप इसे माइक्रोवेव में भी रोस्ट कर सकते हो, लेकिन ना उसमें ना वैसा फ्लेवर नहीं आता है जैसा हम इसमें बर्न करते ना, तो एक स्मोकी फ्लेवर, इसका मतलब एक फ्लेवर जो रहता है ना वो मिसिंग हो जाता है। तो मुझे तो ना ऐसे ही रोस्ट करने में मज़ा आता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पर प्याज वगैरह जो है मैंने कटिंग करके रेडी कर लिया है, और जो हमने मिर्ची टमाटर ये सब रोस्ट किया है ना, आप उसे जल्दी निकाल लें, क्योंकि जो बैगन है वो रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टमाटर मिर्ची जल्दी रोस्ट हो जाएंगे, अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो वो जल भी सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज भी रेडी है, और यहाँ पर जो है हमारा बैगन भी, देखिए ये देखिए हमारा बैगन भी जो है वो रोस्ट होकर रेडी है, और टमाटर मिर्ची ना मेरे पहले ही रोस्ट हो गए थे, यहाँ पर देखिए मैंने निकाल के पहले ही रख दिया है। और यहाँ पर जो है मैंने एक कढ़ाई लिया है। मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, और सभी को ना मेरी ये कढ़ाई बहुत पसंद आती है, सब बोलते लिंक शेयर करो, बट मैं लिंक शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि इसे ना मेरे हस्बैंड ने इतना लोकल शॉप से लेकर आए थे, लेकिन ये बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है। मात्र 500 रुपये की कढ़ाई है, लेकिन मेरा ना लाखों का काम कर देती है ये, और बहुत ही अच्छी हैवी है। और यहाँ पर जो है ना मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है, हींग और जीरा डाला है, जीरा मैंने 1 छोटी चम्मच लिया, और यहाँ पर वही 1 मीडियम साइज़ का अनियन जो कट करके रखा था उसे डाल दिया, और उसे थोड़ा देर हम फ्राई कर लेंगे। और चलते हैं यहाँ पर, देखिए हमारा जो टमाटर बैगन है वो सब ठंडा हो गया है, तो हम इसे छील देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं छील रही हूँ, और बहुत इजीली ना छिला भी जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती। हाँ, हाथ थोड़े से गंदे होते हैं, काले हो जाते हैं। बैगन का भरता ना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसे पराठे वगैरह के साथ भी खाओ तो भी बहुत यम्मी लगता है, और प्लेन राइस और दाल के साथ इसे सर्व भी कर सकते हो, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है ना इसका जो भी बाहर का छिलका मैंने रोस्ट किया था उसे निकाल दिया, और बस गूदा गूदा को इसका रखा है, और टमाटर को मैंने दिखाया नहीं, बट उसका भी छिलका जो है ना मैंने निकाल दिया था। और आपको पता है मैं लंच के लिए हमेशा इजी रेसिपीज क्यों चूज़ करती हूँ, क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे जो है उस समय तक आ जाते, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनके आने से पहले जो है मेरा लंच रेडी हो जाए, क्योंकि जब वो आते तो उनको भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, खाना वाना खिलाना पड़ता है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि उन्हें मस्त गर्मा गर्म खाना खिलाऊँ, और उन्हें सब्जियाँ भी खाना मैं सिखा रही हूँ, और इसलिए ना मैं डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी अलग अलग सब्जी बनाती हूँ ताकि वो सबका टेस्ट ले सके। तो यहाँ पर जो है मैंने बैगन को चॉप कर दिया, उसके बाद टमाटर को भी जो मैंने छिल के रखे थे उसे भी चॉप कर दिया, 2 हरी मिर्ची को भी मैंने लिया था उसे भी मैंने बारीक चॉप कर दिया था। और मुझसे ना बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि मैं हमेशा बैगन की रेसिपीज बनाती रहती हूँ, तो क्या बैगन मेरा फेवरेट है क्या? तो ऐसा नहीं है, खाती तो मैं सब सब्जियाँ हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट ना मटर है, और वो भी फ्रेश मटर, जो कि ना सीजनल वाला मटर रहता ना वो वाला। और भाजी भी मुझे बहुत पसंद है, मेथी, लाल भाजी, ये सारी भाजियाँ मेरी बहुत फेवरेट है, और मेरे हस्बैंड को भी ना भाजी खाना बहुत पसंद है। प्याज फ्राई हो चुका है, तो उसमें मैंने जिंजर गार्लिक डाल दिया है, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया। आप चाहे तो पेस्ट भी ले सकते हैं, और पेस्ट अगर आप लेंगे
करेंगे तो एक छोटी चम्मच आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब हम कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर और 3/4 छोटी चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर वगैरह मैं सब घर पर ही बनाती हूँ और जीरा पाउडर भी यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच डाला है। और देखिए इतने ही मसाले मैंने इसमें डाले हैं, लेकिन इसका जो टेक्स्चर है ना वो इतने कम मसाले होने के बावजूद बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबा में जैसा बनता है वैसे आएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है क्योंकि सूखे मसाले हमने डायरेक्ट यहाँ पर डाल दिए तो उससे क्या रहता है, लगने का डर रहता है। और क्या होगा, जब मसाला अगर थोड़ा बहुत लग जाएगा तो अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा ना। और उसके बाद जो है मैंने बैगन वगैरह जो कट करके रेडी किया था उसे भी मैंने इसमें डाल दिया। मसालों को थोड़ा देर भूनने के बाद ही इसे डाले। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। तो जब भी मैं बैगन का भरता बनाती हूँ ना, मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस बैगन का भरता बना रही हूँ ना, उसमें गुस्सा क्यों होंगी। और यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा गर्म मसाला डाला जो कि 1/4 छोटी चम्मच है, और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया डाला है। बस अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इसका टेक्स्चर ना बहुत ही अच्छा आता है। जितना ये दिखने में शानदार लग रहा है ना, खाने में तो और भी लाजवाब लगता है। ये देखिए कितना अच्छा ये बना है। और मैं इसे इसी कंसिस्टेंसी का रखती हूँ। आप चाहे तो और थोड़ा ड्राई कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा इसी तरीके से थोड़ा हल्का रनी रखती हूँ। वैसे मैं ना इस पे काले चने डालकर भी बनाती हूँ। कभी और मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और जो भटा नहीं खाते उनके साथ ज़रूर शेयर करना। तो बनाओ खा, एंजॉय करो। टाटा, बाय बाय।